हेलो फ्रेंड्स, क्लास 8 से अपना नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं कंपेयरिंग क्वांटिटीज। उसकी एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं क्वेश्चन अपनी बुक से देख रहा हूं, आप अपनी बुक से देखें। पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। अब रेशियो क्या चीज है? दो नंबरों का जो फ्रैक्शन लिखते हो, जैसे मैंने आपको लिखा है फ्रैक्शन 2/3, ठीक है, इसी को एक रेशियो की फॉर्म में आप कैसे लिख सकते हो? 2:3, ठीक है। एक चीज का हमेशा ध्यान रखना होता है जब हम रेशियो निकालते हैं कि ऊपर की क्वांटिटी और नीचे की क्वांटिटी दोनों की जो यूनिट्स है वो बिल्कुल सेम होनी चाहिए। अब क्योंकि यहां दो नंबर है तो यहां तो कोई ज्यादा दिक्कत आएगी नहीं, लेकिन जैसे मैं लिखूं, मान लो 50 पैसे, ठीक है, और मैं नीचे लिखूं 2 रुपीज, तो सॉरी, इसका रेशियो नहीं निकल सकता। रेशियो कब निकल पाएगा? या तो दोनों को पैसे बना लो या तो दोनों को रुपीज बना लो, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, 50 पैसे को तो 50 पैसे रहने देता हूं, 2 रुपए को पैसे बना लेता हूं। अब 1 रुपए में कितने पैसे? 100 पैसे, तो 2 रुपए में कितने? 200 पैसे। ये लीजिए, अब ये वैलिड आंसर है, मतलब इसे सॉल्व किया जा सकता है। लेकिन पैसे और रुपए सॉल्व नहीं हो सकते, यूनिट एक जैसी होनी चाहिए, तभी आप किसी दो टर्म्स का रेशियो निकाल सकते हैं। कितना आंसर आएगा? 0 से 0 चला गया, 5 × 5, 5 × 4 = 20, फ्रैक्शन आगे 1/4, लेकिन हमसे तो रेशियो मांगा जाता है, तो रेशियो कितना लिखा जाएगा? तो रेशियो जाएगा इसका 1:4। ये जो दो डॉट लगे हैं जिसको रेशियो बोलते हैं, उसे बोलते हैं 1:4। तो चलिए अपने हम एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि फाइंड द स्पीड ऑफ द साइकिल 15 किलोमीटर पर आवर टू द स्पीड ऑफ ए स्कूटर 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो हमें रेशियो निकालना है फर्स्ट क्वेश्चन का। हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, स्पीड ऑफ द साइकिल अपॉन स्पीड ऑफ द स्कूटर। तो देखो, स्पीड ऑफ द साइकिल दी है 15 किलोमीटर पर आवर, 15 किलोमीटर पर आवर अपॉन, ठीक है, स्पीड ऑफ द स्कूटर दी है 30 किलोमीटर पर आवर, तो 30 किलोमीटर पर आवर। एक चीज चेक करो, क्या यूनिट सेम है? किलोमीटर पर आवर बिल्कुल सेम है, काम हो सकता है इसमें, ठीक है। तो किलोमीटर पर आवर कैंसिल आउट हो गया, 15 × 15, 15 × 30, तो फ्रैक्शन कितना आया? 1/2। लेकिन आंसर फ्रैक्शन में तो ना छोड़ना है, आंसर तो रेशियो में चाहिए। तो कैसे लिखते हैं? 1:2। पढ़ने का तरीका है 1:2 या फिर 1:2। ये लिखिए, फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट देखते हैं, देखिए क्या कह रहा है। सेकंड पार्ट कह रहा है 5 मीटर टू 10 किलोमीटर। सेकंड पार्ट 5 मीटर टू 10 किलोमीटर, तो क्या यूनिट सेम है? नहीं, ये मीटर लिखा है, ये किलोमीटर लिखा है, कुछ नहीं हो सकता इसका। कब तक? या तो दोनों को मीटर बनाओ तो कुछ हो सकता है, या दोनों को किलोमीटर बनाओ। तो मैं क्या करता हूं, किलोमीटर को मीटर बना लेता हूं, ठीक है। तो 5 मीटर तो लिखा ही ऊपर, नीचे है 10 किलोमीटर। अब 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 10 किलोमीटर कितने होंगे? 10,000 मीटर होंगे। तो ये लीजिए 10,000 मीटर, मीटर से मीटर तो चला गया, 5 × 5, 5 × 10 और 3 0, तो 1/2000 आ गया फ्रैक्शन। आंसर तो रेशियो में चाहिए, तो रेशियो कितना आएगा? 1:2000। ये लिखे, ये क्वेश्चन भी हो गया। अगला पार्ट देखिए क्या कह रहा है, 50 पैसा 2 रुपीज 5। इसका तो मैंने एग्जांपल जैसा भी दिया था आपको भी, 50 पैसा 2 रुपीज 5। अब दिक्कत तो यहां पर ही वही है, यहां पर भी यूनिट सेम नहीं है। तो देखो मैंने क्या किया, 50 पैसे को नहीं टच किया, मैंने 5 रुपीज को चेंज करना है पैसे में। तो अगर 1 रुपए में 100 पैसे, तो 50 रुपए में कितने पैसे? 500 पैसे। 0 से 0 चला गया, 5 × 5, 5 × 10 = 50, तो रेशियो आ गया हमारा 1:10। ये देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन पूरा हो गया, तीनों पार्ट कंप्लीट हो गए। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियोस इनटू परसेंटेज। मतलब आपको रेशियो दिया होगा, आपको परसेंटेज में चेंज करना है, ठीक है। तो पहला पार्ट है 3:4, फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है 3:4, परसेंटेज में चेंज करने के लिए पहले इसे फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना पड़ेगा। वो कैसे? 3/4। और किसी भी चीज को अगर परसेंटेज में चेंज करना है तो उसे 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 100 से मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा वो एक्चुअल में उसका परसेंट फॉर्म ही होगा। तो ये हो गया 25 times 25 = 75, लेकिन अब क्या लिखोगे पीछे? परसेंट, ये परसेंट का सिंबल है, तो 3/4 एक्चुअल में 75% ही होता है। अगला पार्ट देखो क्या कह रहा है, अगला पार्ट कह रहा है 2:3, तो चलो सेकंड पार्ट है 2:3। तो मैंने कहा था ना, अगर आपको इसे परसेंटेज में चेंज करना है तो पहले तो इसको फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा और 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
किसी भी नंबर का परसेंटेज निकालने के लिए, किसी भी रेशियो का परसेंटेज निकालने के लिए उसे 100 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है। ये कितना आएगा देखो, अभी कैंसिल आउट तो हो नहीं सकता पूरा पूरा, तो ये आ जाएगा 200/3%। चाहो तो डेसिमल में निकाल सकते हो डिवाइड करके, अदरवाइज आंसर यही छोड़ सकते हो। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3, मैं अपनी बुक से पढ़ रहा हूं। 72% ऑफ 25 स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड इन मैथ्स, मतलब टोटल 25 बच्चे हैं जिसमें से 72% इंटरेस्ट लेते हैं मैथ्स में, मैथ्स उन्हें पसंद है। तो कैसे लिखूं, टोटल स्टूडेंट्स, सबसे पहले लिखते हैं टोटल स्टूडेंट्स, वो कितने हैं 25, तो परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड इन मैथ्स, तो परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स, क्योंकि आपको परसेंटेज ही दिया हुआ है, स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड इन मैथ्स, और वो कितने हैं 72%। लेकिन मैं आपसे ये कहूं कि ये 72% एक्चुअल में बच्चे हैं कितने, तो निकालने का तरीका होता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अगर निकालना हो तो लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, देखिए वो आपको परसेंटेज दिया हुआ है, मैं इस परसेंटेज को नंबर में चेंज करने वाला हूं, तो कैसे लिखेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड, ठीक है, इन मैथ्स, तो कैसे निकाला जाएगा 72%। जब आपको परसेंट में चेंज करना होता है तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन यहां पर परसेंट में गिवन है और आपको फ्रैक्शनल चेंज करना है तो डिवाइडेड बाय 100 करते हैं। फिर सुन लीजिए, अगर आपको किसी भी नंबर को परसेंटेज में चेंज करना है तो 100 से मल्टीप्लाई, अगर परसेंटेज में गिवन है और फ्रैक्शन में चेंज करना है तो डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। तो 72% किसका, टोटल स्टूडेंट्स का, तो आपको यहां से यह आइडिया हो जाएगा कि कुल कितने बच्चे हैं जो इंटरेस्ट ले रहे हैं मैथ्स में। तो कितना आएगा देखो, 5 5 25, ये हो गया 5 2 10 और 0, 5 4 20, 4 1 4 और 4 8 32, तो कुल 18 स्टूडेंट ऐसे हैं जो इंटरेस्ट ले रहे हैं मैथ्स में। अब क्वेश्चन देख लें हमसे क्या मांग रहा है, हाउ मेनी आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैथ्स। अब कुल बच्चे हैं 25 जिसमें से मैथ्स में इंटरेस्ट आ रहा है 18 बच्चों को, हमसे कह रहा है बताइए कितने बच्चों को इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो कैसे निकालें, टोटल स्टूडेंट में से जिन जिन बच्चों को इंटरेस्ट आ रहा है उन्हें माइनस कर दीजिए, तो वही बच्चे बचेंगे जिनको मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। तो कैसे लिखूं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है, इन मैथ्स, तो कौन कौन हो गए वो, टोटल बच्चों में से जिनको इंटरेस्ट आ रहा है उसे माइनस कर दीजिए, तो कितना आया, टोटल 7 स्टूडेंट ऐसे हैं दोज़ हू आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैथ्स। क्वेश्चन फिनिश हो गया। चलिए टर्न है क्वेश्चन नंबर 4 का, मैं अपनी बुक से पढ़ता हूं। क्वेश्चन कह रहा है, अ फुटबॉल टीम वन 10 मैचेस आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मैचेस दे प्लेड, मतलब एक टीम है जिसने 10 मैच जीते, लेकिन हमें ये नहीं क्वेश्चन में केवल है कि टोटल कितने मैच है, बस ये बता रखा है कि जितने भी मैच खेले उसमें से 10 जीते। तो सबसे पहले मैं क्या मानता हूं, लेट टोटल नंबर ऑफ मैचेस प्लेड, मान लिया कि फुटबॉल टीम ने कुल मिलाकर एक्स मैचेस खेले, ठीक है, विन, अब कितने मैच उन्होंने जीते 10। अब देखो क्वेश्चन में आगे हमसे और क्या कह रहा है, इफ देयर विन परसेंटेज वॉज 40, मतलब विनिंग परसेंटेज दिया हुआ है, तो देखो तो विनिंग परसेंटेज क्या है, विनिंग परसेंटेज है 40%। मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में क्या कहा था कि अगर आपको परसेंट में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, लेकिन यहां तो क्वेश्चन ऑलरेडी परसेंट में ही दिया है, मुझे फ्रैक्शन में चेंज करना होगा तो मैं क्या करूंगा, डिवाइडेड बाय 100 करूंगा, तो 40% आ गया। अब ये जो 40% है ये चेंज हो गया फ्रैक्शन में 40/100, ये विनिंग परसेंटेज है, लेकिन ये विनिंग परसेंट ऑब्वियसली बात है टोटल नंबर ऑफ मैचेस की आई होगी, तो हो गया 40% ऑफ एक्स, मतलब 40% मैच जीते उन्होंने जितने खेले, लेकिन कितने मैच जीते ये तो क्वेश्चन में हमें पहले से गिवन है, कितने 10 ही तो जीते हैं। देखो टोटल मैच एक्स है, 40% जीते एक्स के, लेकिन जो 40% एक्स के जीते वो कितने जीते वो तो पहले ही पता है 10 है, तो ये 40% ऑफ एक्स जो कि परसेंटेज में है और इक्वल में 10 दोनों बराबर होंगे, बस एक्स का वैल्यू आ जाएगा, अब जो डिवाइड में है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और जो मल्टीप्लाई में वो जाके डिवाइड हो जाएगा, ये लीजिए तो 0 से 0 चला गया और ये हो गया 25 टाइम्स, तो x = 25, मतलब कुल मिलाकर उन्होंने 25 मैचेस खेले,
10 मैच उन्होंने जीते हैं तो फिर कितने हारे होंगे अगर ऐसा पूछा जाता, तो 25 - 10 = 15 मैच वो हार गए। ये लीजिए क्वेश्चन फिनिश हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करता हूं, मैं अपनी बुक से पढ़ता हूं। इफ चमेली हैड 600 रुपीज लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ हर मनी, मतलब चमेली के पास जितने रुपए थे उसका 75% उसने खर्च कर दिया और खर्च करने के बाद भी अभी भी उसके पास 600 रुपए बाकी हैं। क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, How much did she have in the beginning? वही पूछ रहा है कि उसके पास शुरू में कितने पैसे थे। तो बिल्कुल पीछे वाले क्वेश्चन की तरह ही लेट लेते हैं। Let total money चमेली है is equal to rupees x। अब इसमें से उसने कितना परसेंटेज खर्च कर दिया, तो क्वेश्चन है 75% स्पेंडिंग 75% ऑफ द मनी। ठीक है, चलिए तो परसेंटेज ऑफ मनी स्पेंड कितना है 75%। लेकिन मैंने आपसे क्या कहा था, ये परसेंट में गिवन है ना, तो पहले अपने फ्रैक्शन में चेंज करके और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कुल मनी से, तो उससे ये पता चल जाएगा कि कुल कितना पैसा खर्च हुआ। तो अब परसेंटेज, अब यहां तो परसेंटेज स्पेंड है, तो मैं यहां लिख देता हूं मनी स्पेंड कितना 75% था ना, तो परसेंट हटाने के लिए क्या करते हैं, फ्रैक्शन लाने के लिए क्या करते हैं, अपॉन 100। और कितने का खर्च किया भाई, टोटल का ही तो खर्च किया होगा, ये पैसा टोटल खर्च हो गया। जरा कैंसिल आउट कर लेते हैं, तो 25 3 = 75 और 25 4 = 100, तो कुल मिला के अगर उसके पास एक्स रुपीज थे तो 3x / 4 उसने खर्च कर दिया। अब क्वेश्चन शुरू में क्या कहता है, इफ चमेली हैड 600 रुपीज लेफ्ट, 600 रुपए बचे हैं, तो इसको थोड़ा देर से यूज करेंगे, पहले समझो एक्स रुपीज थे, कितना पैसा खर्च किया 3x / 4, तो अगर मैं कहूं कितना बचा तो कैसे लिखूंगा, मनी लेफ्ट एक्स रुपीज थे, खर्चा कितना हो गया 3x / 4, तो कितना बचा, चलो एलसीएम ले लो पहले जरा, इसके अगर नीचे 1 लिख लो, तो 1 4 = 4 इंटू ऊपर वाला नंबर माइनस 4 1 = 4 और इंटू ऊपर वाला नंबर, तो ये हो गया 4x - 3x / 4 दैट इज इक्वल टू x / 4। ये x / रुपीज उसके पास बचे हैं, लेकिन क्वेश्चन में पहले दिया हुआ है कि उसके पास खर्च करने के बाद 600 रुपए बचे हैं, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मतलब हुआ कि ये जो बचे रुपए हैं x / 4 वो एक्चुअल में किसके बराबर है, वो 600 रुपए के बराबर है। बराबर रख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 4 × 600, तो कुल मिलाकर चमेली के पास शुरू में कितने रुपए थे, उसके पास टोटल रुपए थे 2400। क्वेश्चन फिनिश हो गया। चलिए एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है इफ 60% ऑफ द पीपल इन द सिटी लाइक क्रिकेट, ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ पीपल प्रॉपर लिखेगा लाइक क्रिकेट, कितना 60% लोग ऐसे हैं जो क्रिकेट पसंद करते हैं, फिर लिखा है 30% लाइक फुटबॉल, चलिए परसेंटेज ऑफ पीपल पीपल्स लिखे, ठीक है, Who like football? कितना हो गया 30%। आगे क्या कहता है, And the remaining like other games. तो percentage of peoples like other game. अगर मैं आपसे पूछूं कि यह other game का percent तो क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो आपको कैसे पता चलेगा, तो भाई टोटल तो 100% ही होता है, 60% क्रिकेट पसंद कर रहे हैं, 30% फुटबॉल पसंद कर रहे हैं, तो पक्की बात है बचे हुए कितने रह गए, 60 + 30 = 90%, तो 10% लोग ऐसे रह गए जो पसंद किसको कर रहे हैं, जो पसंद कर रहे हैं अदर गेम्स को, तो ये आ गया आपके पास 10%। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं हमसे और आगे क्या कह रहा है, देन व्हाट परसेंट ऑफ द पीपल लाइक अदर गेम्स, तो ये लीजिए वो तो डायरेक्टली आ गया 10% हो गया। ठीक है, फिर कहता है इफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल इज 50 लाख, ओके, अब टोटल पर्सन है कितने, टोटल पर्सन 50 लाख लोग हैं आपके पास। ठीक है, तो अब क्वेश्चन का अगला पार्ट है फाइंड द एग्जैक्ट नंबर हु लाइक ईच टाइप ऑफ गेम, अब हमें कुल मिलाकर एग्जैक्टली क्रिकेट कितने लोग पसंद करते हैं, ऐसे फुटबॉल कितने लोग पसंद करते हैं और अदर गेम को कितने लोग पसंद करते हैं एग्जैक्ट नंबर बता रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, बड़ा आसान है। पहले क्रिकेट के लिए निकालते हैं टोटल नंबर, परसेंटेज कितना दिया हुआ है 60% है, परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए
अपॉन 100 और ये 60% टोटल कितने के 50 लाख के, बस 50 लाख से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसमें वो सारे नंबर ऑफ पर्सन आ जाएंगे जिन्हें सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट पसंद है। तो ये 20 से 20 चला गया, 6 5 30, 1 2 3 4 5, 5 0 और लगा दीजिए, ये लीजिए। तो कुल मिलाकर 30 लाख लोग ऐसे हैं जिनको क्रिकेट पसंद है। नेक्स्ट फुटबॉल के लिए, अब फुटबॉल का परसेंट कितना है आपके पास 30, तो 30% ऑफ व्हाट, ऑफ टोटल पीपल, टोटल पीपल 50 लाख ही है, ये लीजिए 50 लाख से फिर मल्टीप्लाई किया, 20 से 20 चला गया, 3 5 15, 1 2 3 4 5, 5 0 पीछे लग गए। तो कुल मिलाकर कितने लोगों को फुटबॉल पसंद है, 15 लाख लोगों को। अब अदर गेम देखो, तो अदर गेम निकालने के अब दो तरीके हैं, या तो परसेंटेज से ही निकाल लो 10% ऑफ 50 लाख कर लो, या फिर एक काम करो 30 लाख लोगों को क्रिकेट पसंद है, 15 लाख लोगों को फुटबॉल पसंद है, तो कुल मिला के कितने हो गए 45 लाख हो गए। कुल पर्सन कितने हैं, वो 50 लाख है, तो 50 लाख लोग हैं जिसमें से 45 लाख लोगों को क्रिकेट और फुटबॉल पसंद है। तो बचे बंदे कितने रह गए, तो 50 लाख माइनस 45 लाख, कुल 5 लाख बंदे ऐसे हैं जिनको अदर गेम पसंद है, डायरेक्टली निकाल सकते हैं, वरना परसेंटेज तो है ही। वो कैसे, 10% चेंज किया पहले फ्रैक्शन में 10 upon 100, और किसका 10%, ऑब्वियस सी बात है 50 लाख लोगों का जो टोटल नंबर थे। तो कितने आ गए अपने पास, ये लीजिए 5 लाख लोग आ गए। तो ये चॉइस थी, लेकिन ये चॉइस आप सिर्फ आखिरी वाले में ही निकाल सकते हो, या तो 50 लाख में से 30 लाख और 15 लाख माइनस कर लो तब भी 5 लाख ही आएगा, या जो डायरेक्टली 10% दिया है उस 10% को 10 upon 100 लिखकर इनटू 50 लाख कर दो तब भी 5 लाख ही आएगा, बस ये लीजिए। तो क्रिकेट पसंद करने वाले 30 लाख, फुटबॉल पसंद करने वाले 15 लाख और अदर गेम पसंद करने वाले 5 लाख पीपल है, ठीक है। तो ये हमारी एक्सरसाइज पूरी फिनिश हुई, आसान सी एक्सरसाइज थी, नेक्स्ट लेक्चर में इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अच्छे से इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, लेक्चर फिनिश करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो हमारे चैनल मैथ्स के लिए इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को भी हिट कर दें, जिससे आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए।